हेलो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई। तो 6 का पहला बिट है -4/5 -3/15 +7/20। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों रैशनल नंबर को हम ब्रैकेट में रख लेते हैं पहले। तो -4/5 -3/5 फिर 3/15, तो इसको हमने ब्रैकेट में रख लिया है। पहले देख लेते हैं रैशनल नंबर में है कि जो पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। यस, ये तीनों रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर और एक बार चेक कर लेंगे कि यहाँ जो जितने रैशनल नंबर हैं उनका कितना साइन है। 4/5 का एक ही नेगेटिव साइन है, 3/15 है उसका भी एक ही नेगेटिव साइन है, और 7/20 का एक ही जो पॉजिटिव साइन है। तो अब हम सॉल्व करेंगे। तो कितना हो गया, 5/15 का एलसीएम, 5/15 का हम पहले एलसीएम ले लेंगे, तो हो गया 15। तो 15 फिर 15 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, 3 होगा, फिर 3 मल्टीप्लाई विथ -4 तो 12 हो गया। उसी तरह 15 डिवाइड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई विथ 3 तो होगा -3। तो उसके बाद यहाँ पर -12 -3 हो गया, ठीक है। ये +7/20 वैसे ही रहेगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -15/15, तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 +7/20। तो कैंसिल आउट करने के बाद हमारा आंसर हुआ -1/1, मतलब ऊपर कैंसिल आउट हुआ -1, नीचे कितना 1 था, तो -1/1 कितना होगा, 1 ही होगा, +7/20। तो यहाँ पर 1 और 20 का एलसीएम लेंगे हम, तो 20 हुआ हमारा एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे प्लस 20 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, कितना होगा 20, फिर 20 मल्टीप्लाई विथ -1 तो -20। यहाँ पर 20 डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई विथ 7 तो -20 +7, तो आंसर होगा हमारा -13/20, ठीक है। अब हम बिट 2 करेंगे। बिट 2 देखो, -5/13 -3/26 -9/-52। तो यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है बट ये नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम करते हैं। देखो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में सेकंड स्टेप में यहाँ पर देखो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया है। ये -52 है ना, उसको -9 को मैंने ऊपर ले लिया है, तो ये हो गया -9/52 हो गया। अच्छा, फिर हम देखो इन दोनों को ब्रैकेट में यहाँ पर रख लिया है मैंने, फिर इसको भी रख लिया है मैंने। अब मैं देखो यहाँ पर क्या किया हूँ, देखो जैसे 5/13 है, 5/13 का कितना साइन है, एक ही नेगेटिव साइन है। 3/26 जो है इसके सामने देखो 2 साइन है, तो मेक इट 1 साइन। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर। फिर ये क्या हो गया, देखो ये 9/52 है ना, इसके सामने भी 2 साइन है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ बाहर भी नेगेटिव है, 2 साइन है, तो मेक इट 1 साइन। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +9/52। यहाँ पर करने के बाद हम दोनों को सॉल्व करेंगे, 13 और 26 का एलसीएम और 26, ठीक है। फिर 26 डिवाइड विद 13 कितना हुआ, 2, फिर 2 मल्टीप्लाई विथ -5 -10 हो गया। फिर 26 डिवाइड विद 26 कितना, 1 मल्टीप्लाई विथ 3 हो गया। तो इसको सॉल्व -10 +3 हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर हुआ -7, तो -7/26 +9/52 वैसे ही रहा। फिर 26 और 52 का एलसीएम लेंगे तो होगा 52, फिर 52 को हम 26 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 हुआ, फिर 2 मल्टीप्लाई विथ -7 तो हो गया -14। फिर 52 डिवाइड विथ 52 1 हुआ, फिर 1 मल्टीप्लाई विथ 9 कितना हो गया 9, तो -14 +9 को सॉल्व करने से होगा -5/52। तो ये हमारा बिट 2 का आंसर -5/52। अब हम करेंगे बिट 3। बिट 3 यहाँ पर देखो क्या है, 7/24 +5/12 -11/18। तो यहाँ पे देखो ये रैशनल नंबर, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव साइन, एक ही साइन है पॉजिटिव है। 5/12 एक ही साइन पॉजिटिव है, 11/18 एक ही साइन है नेगेटिव है। हमको दो चीज़ चेक करना है, पहले देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, दूसरा चीज़ क्या चेक करना है हमको ना, हमें देखना है कि रैशनल नंबर के सामने कोई एक से अधिक साइन तो नहीं है। यहाँ पर देखो किसी का पहला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि जितने हैं सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा कंडीशन क्या था कि एक रैशनल नंबर के सामने एक ही साइन हो, तो यहाँ पर देखो सब यहाँ 3 रैशनल नंबर है, यहाँ पर 3 साइन है, 7/24 का पॉजिटिव साइन, इसका पॉजिटिव साइन, इसका नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ओके, अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। तो 24 और 12 का एलसीएम, 24 और 12 का एलसीएम हो गया 24, फिर 24 डिवाइड विथ 24 1 हुआ, 1 मल्टीप्लाई विथ 7 तो 7 हो गया। फिर उसी तरह 24 डिवाइड होगा 12 के साथ कितना हुआ 2, फिर 2 मल्टीप्लाई विथ 5 तो 10 हो गया, और -11/18 वैसे ही रहा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 24 हमारा 24 नीचे रहेगा, इन दोनों 10 +7 हो गया 17 -11/18। फिर 24 और 18 का हम एलसीएम लेंगे तो होगा 72, फिर 72 डिवाइड होगा 24 के साथ कितना होगा 3, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 17 के साथ तो 15 हो गया, 51 हो गया। फिर उसी तरह 72 डिवाइड होगा 18 के साथ तो कितना होगा 4, फिर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 के साथ तो कितना हो गया 44, तो 51 -44 आंसर होगा 7/72, ठीक है। अब हम करेंगे बिट फोर। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है बिट 4 का -11/30 -8/15 +7/6 -2/5। तो मैंने कहा था दो कंडीशन चेक करना है, पहला कंडीशन क्या है कि जितने सारे रैशनल नंबर हैं हमको चेक करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। यस, स्टैंडर्ड फॉर्म में है सारे, ठीक है। दूसरा कंडीशन मैंने क्या बोला था चेक करने के लिए,
ना जितने रैशनल नंबर है उनके सामने एक ही साइन प्रेजेंट होना चाहिए। तो 11/30 इज ओके क्योंकि इसके सामने एक ही नेगेटिव साइन है। 18/15 इज ओके बिकॉज इसके सामने एक ही साइन है। 7/6 इज ओके बिकॉज इसके सामने एक ही साइन है पॉजिटिव। बट यहाँ पर 2/5 के सामने दो साइन है तो मेक इट अ वन साइन। प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर मैंने माइनस ले लिया है। मैंने यहाँ पर उसको सेकंड कंडीशन मैंने इसको यहाँ पर सेटिस्फाई कर दिया है। ये जितने रैशनल नंबर है सबके सामने मैंने एक ही साइन रखा है, इसको मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ग्रुप कर देंगे, फिर इन दोनों को ग्रुप कर देंगे। देखो ये मैंने ब्रैकेट देकर ग्रुपिंग कर दिया है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे 30 और 15 के एलसीएम कितना होगा। 13 और 15 को एलसीएम सॉल्व करेंगे 30 हो जाएगा, फिर 30 डिवाइड बाई 30 1 हो जाएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई विथ -11 तो ये होगा -11। फिर 30 को डिवाइड करेंगे 15 के साथ तो होगा 2, फिर 2 मल्टीप्लाई विथ 8 कितना हो गया -16, यहाँ पर हो गया माइनस। अब इसको फिर इसको सॉल्व करेंगे 5 और 6 का एलसीएम होगा 30, फिर 30 डिवाइड बाई 6 5 5 मल्टीप्लाई विथ 7 35 तो -12। फिर इस तरह इसको सॉल्व करेंगे -12 होगा। अब इसका आंसर निकलेगा -27/30। अब इसका और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 23/30। फिर इसको इसको सॉल्व करने से फिर 30 और 30 का एलसीएम लेंगे 30 हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो -27+23, तो -27+23 को सॉल्व करने से -4 हो गया, -4/30। फिर देखो यहाँ पर मैंने इसको लोएस्ट टर्म किया है, यहाँ पर ये 2 से हो जाएगा तो 15 2 जो 30 तो ये 15, फिर 2 से ये गया -2, तो हमारा फाइनली आंसर निकला -2/15। तो ये हमारा हमारा आंसर। अब हम करेंगे बिट बिट नंबर नंबर 7 करेंगे। नंबर 7 क्वेश्चन है, नंबर 7 यहाँ पर दिया है वेरीफाई करना है हमको। वेरीफाई कैसे करना है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स फॉर एक्स इक्वल टू 2/3, वाई इक्वल टू 5/9, आर दे इक्वल। यहाँ पर देखो एक्स का वैल्यू दे दिया है 2/3, वाई का वैल्यू दिया है 5/9। अब हम यहाँ तो मतलब वैल्यू निकालना है, पहले वैल्यू निकाल लेना है एक्स माइनस वाई का और वाई माइनस एक्स का। एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकालो और वाई माइनस एक्स का वैल्यू निकालो। अब देखो इन दोनों, ये दोनों वैल्यू क्या इक्वल है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आर दे इक्वल, तो हमको निकालने के बाद पता चलेगा। देखो तो पहले हम एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकालेंगे। देखो एक्स का वैल्यू यहाँ पर दिया है 2/3 और वाई का वैल्यू दिया है 5/9। तो ये जो एक्स का वैल्यू 2/3, वाई का वैल्यू जो 5/9 दिया है, इन दोनों का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया है, पहला पहला पार्ट एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई देखो यहाँ पर दुबला है, पहले एक्स माइनस वाई का वैल्यू बाहर निकालो फिर वाई माइनस एक्स का वैल्यू निकालो। तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकला कितना, देखो 2/3 -5/9, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे आंसर निकला 1/9। फिर वाई माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे, वाई में देखो वाई माइनस एक्स मतलब क्या, 5/9 माइनस करेंगे 2/3, देखो 5/9 -2/3, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर निकलेगा -1/9। ठीक है, तो देखो पहला एक्स माइनस, देखो एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना निकला 1/9, यहाँ पर वाई माइनस एक्स का देखो वैल्यू कितना निकला 1 -1/9। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नो यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू वाई माइनस एक्स, नो दे आर नॉट इक्वल। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा नहीं आर दे इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो एक्स का वैल्यू दिया है 1/10, वाई का वैल्यू दिया है -3/5, जेड का वैल्यू दिया है 7/20। हमको उसी तरह एक्स माइनस वाई माइनस जेड का वैल्यू निकालना है, फिर एक्स माइनस वाई माइनस जेड का वैल्यू निकालना है, फिर वो देखेंगे उसको दोनों इक्वल है कि नहीं। तो देखो पहले मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ये पार्ट एक्स माइनस वाई माइनस जेड को वैल्यू पहले निकाल लिया है, फिर हम निकालेंगे एक्स माइनस वाई माइनस जेड का निकालेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पर देखो इस जगह पर ब्रैकेट दिया है, तो हमको पता है ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, तो एक्स माइनस वाई हम पहले सॉल्व करेंगे। तो देखो एक्स एक्स का वैल्यू दिया है देखो 1/10, वाई का वैल्यू दिया है -3/5। ये जो वैल्यू दिया है एक्स एक्स और वाई का और जेड का, ये तीनों का वैल्यू मैंने यहाँ देखो पुट किया है। यह वो एक्स का वैल्यू, ये वाई का वैल्यू, ये जेड का वैल्यू। तो एक्स माइनस फिर माइनस वाई, जो एक्स माइनस वाई तो ये हुआ एक्स का वैल्यू 1/10। फिर यहाँ पर क्या साइन दिया है माइनस, देखो यहाँ पर मैंने माइनस लिखा है। फिर क्या दिया, वाई दिया है, तो वाई का वैल्यू कितना है -3/5 ना, तो यहाँ पर -3/5 होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने समझाया था कि 1/10 एक रैशनल नंबर, इसके सामने एक ही साइन हो ये ओके है क्योंकि इसके सामने एक ही साइन है पॉजिटिव। बट 3/5 के सामने दो साइन है तो मेक इट अ वन साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 1/10 + 3/5 इसको सॉल्व करोगे एलसीएम होगा 10, यहाँ पर 1+6 ये होगा 7/10 और 7/20 साइड में से लिखते हैं हम। तो 7/ यहाँ पर फाइनली हमारा आंसर निकला -10 माइनस जो 7/10 -7/20। फिर 10 और 20 के एलसीएम लोगे तो होगा 20, फिर 20 डिवाइड बाई 10 2 2 मल्टीप्लाई बाई 7, वही सेम रूल 14 - 7 होगा आंसर। 14 - 7 होने के बाद फिर इसको हम माइनस करेंगे तो आंसर निकला 7/20। ठीक है, उसी तरह एक्स माइनस वाई माइनस जेड का हम सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो देखो सब सब मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर लिया है। एक्स का वैल्यू जो 1/10 दिया हुआ था यहाँ पर, जो वाई का वैल्यू 3/5 और जेड का वैल्यू, जो वाई का वैल्यू -3/5 और जेड का वैल्यू 7/20। तो इसको पुट करने के बाद देखो यहाँ पर आंसर निकला हमारा 1/10 माइनस
जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे यहाँ पर। तो देखो सब रैशनल नंबर के सामने एक ही साइन है, नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पर देखो दो साइन है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर वहाँ पर साइन पुट करेंगे, फिर यहाँ पर साइन चेंज करेंगे हम। देखो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर तो ये ओके है ना, 7/20 के सामने एक ही साइन है, 3/5 के सामने एक ही साइन है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आंसर होगा कितना, 5/20 का एलसीएम और 20, फिर उसको सॉल्व करने से हो जाएगा -19/20। अब यहाँ पर देखो 19/20 तो बाहर निकल जाएगा, -19/20। अब यहाँ पर साइन चेक होगा, तो 19/20 के सामने दो साइन है, नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पर एक्चुअली ब्रैकेट से नहीं होगा, यहाँ पर ब्रैकेट मत दो, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पर ये तो सॉल्व हो चुका है ना, ब्रैकेट मत दो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 19/20 के सामने दो साइन है, तो मेक इट अ वन साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर। और 10/20 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 20, फिर 20 डिवाइड होगा 10 के साथ 2 होगा, फिर 2 मल्टीप्लाई विथ 1, 2 मल्टीप्लाई विथ 1, यहाँ पर थोड़ा भूल हो गया, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 2 होगा आंसर। यहाँ पर 10/20 के एलसीएम हो गया 20, फिर 20 मल्टीप्लाई डिवाइड विथ 10, 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई विथ 1, 2 होगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 19 रहेगा। तो यहाँ पर फाइनली हमारा आंसर निकला कितना, 21/20। देखो तभी सेम नहीं निकला, ये निकला 7/20, ये निकला 21/20, तो ये दोनों नॉट इक्वल। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, आर दे इक्वल, यहाँ पूछा है कि आर दे इक्वल, वो दोनों क्या इक्वल है, तो नो।